दोस्तों ये 100% सच है कि जल के बिना धरती पर जीवन की कल्पना करना असंभव है। तभी तो कहते हैं जल है तो कल है। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जल से जुड़ी हुई कुछ जादू। पहले ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी रेगुलरली देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, वरना आगे बहुत कुछ मिस कर जाओगे। पानी का धोखा, इस ट्रिक को करने के लिए आपको लेना है एक कांच का खाली गिलास, एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा जिसमें दो एरो बने हो और थोड़ा सा पानी। अब कार्डबोर्ड को खड़ा करके उसके आगे कांच के गिलास को ऐसे रख लीजिए जिससे कि आपको कार्डबोर्ड पर बने एरोज के निशान गिलास के आर पार दिखाई दे। इसके बाद आप डालिए गिलास में थोड़ा सा पानी और देखिए जादू। देखिए कैसे एरो का निशान अपनी दिशा बदल लेता है। दरअसल ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि जब प्रकाश किसी ऑब्जेक्ट से गुजरता है तो बैंड होता है। हमारे इस एक्सपेरिमेंट में प्रकाश पहले हवा से होते हुए गिलास के कांच, फिर पानी, फिर कांच और फिर हवा में से होकर गुजर रहा है। पानी से भरा गिलास एक मैग्नीफाइंग गिलास की तरह ही काम करता है। जब प्रकाश इसमें से होकर निकलता है तो गिलास के फोकल पॉइंट पर मुड़ जाता है और हमें दाहिने तरफ की चीज बाईं तरफ दिखाई देती है। एक सेकंड में बनेगी बर्फ। एक शुद्ध डियोनाइज्ड पानी की बोतल को एक बाल्टी में रखिए और इसके चारों तरफ 3 किलो बर्फ डालिए। फिर इस पर 2 किलो नमक डालकर इस बाल्टी को पानी से इतना भर लीजिए कि बोतल पूरी तरह से डूब जाए। इसके बाद एक थर्मामीटर से पानी का टेम्परेचर चेक करें। जब इसका टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो बॉटल को पानी से बाहर निकाल लीजिए। अब आप किसी बर्तन में थोड़ी सी बर्फ लीजिए और इस बॉटल वाले पानी को इसके ऊपर डालिए। देखिए कैसे पानी झट से बर्फ में तब्दील हो जाता है। इसे सुपर कूलिंग कहते हैं। ऐसा सिर्फ तभी होता है जब पानी में किसी तरह की इम्प्योरिटीज ना हो। पानी को जमने के लिए इम्प्योरिटीज की जरूरत होती है। इसके लिए ये पानी इतना ठंडा होकर भी लिक्विड फॉर्म में रहता है। ये पानी जब बर्तन में रखी बर्फ से टकराता है तो इसमें फ्रीजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। पानी उबलना भूल गया। हर कोई जानता ही है कि पानी जब गर्म किया जाता है तो एक निश्चित टेम्परेचर पर आने के बाद उबलने लगता है, पर आज हम आपको दिखाएंगे कि यह हमेशा ऐसा नहीं होता। इस प्रयोग के लिए लीजिए एक माइक्रोवेव में रखने लायक कंटेनर, पानी, एक माइक्रोवेव, एक कपड़ा और एक पेन। अब कंटेनर को आधा पानी से भरकर माइक्रोवेव में रख दीजिए और इंतजार कीजिए पानी के उबलने का। आप नोटिस करेंगे कि पानी उबलेगा ही नहीं। चलो अब सावधानी से माइक्रोवेव को खोलिए और कंटेनर के ऊपर लगा कपड़ा पानी को बिना हिलाए बाहर निकाल लीजिए। अब आप इसमें कोई सिक्का या पेन डालिए और देखिए कैसे पानी अचानक उबलने लगता है। इसको कहते हैं सुपर हीटिंग। माइक्रोवेव में पानी हीटिंग प्रोसेस के दौरान अनडिस्टर्ब्ड रहता है जिसके कारण इसमें बबल्स नहीं बन पाते, लेकिन जब बाहर निकलने के बाद इस लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं तो इसमें बबल्स बनने लगते हैं। पानी का खिंचाव। एक गुब्बारा लीजिए और इसको अपने सर के बालों पर कुछ देर घर्षण कीजिए। अब आप इस गुब्बारे को नल से निकल रहे पानी के पास ले जाइए। आप देखेंगे कि पानी की धार गुब्बारे की तरफ मुड़ने लगेगी। क्या आप बता सकते हैं कैसे पॉसिबल हुआ? चलिए हम ही बता देते हैं। असल में जब आप गुब्बारे को अपने बालों से घर्षण करवाते हैं तो आपके बालों से इलेक्ट्रॉन गुब्बारे पर चिपक जाते हैं जिससे एक तरह का नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, और जब आप ये गुब्बारा पॉजिटिवली चार्ज पानी के पास ले जाते हैं तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये थी कुछ जल से जुड़ी हुई जादुई ट्रिक्स। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। That little mouse, 'cause I'm an albatross.